हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चाइना फैन पाम प्लांट। तो फ्रेंड्स, पाम की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। अगर हम किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में जाएं तो पाम की बहुत सारी वेराइटीज जो हमें देखने को मिल जाती हैं। पर आज इस पाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसको हम चाइना फैन पाम ट्री जो है बुलाते हैं, वो इसके पत्तों की वजह से। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी पत्तियां बहुत ही ज्यादा जो चौड़ाई में बिल्कुल एक फैन की तरह होती हैं, इसलिए हम इसको फैन पाम जो है, चाइना फैन पाम इसको बुलाते हैं। ये जो प्लांट है इसको हम इंडोर एज वेल एज आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, बट मेनली हम इसको आउटडोर ही रखते हैं क्योंकि बिकॉज इसके जो इसको बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत जो होती है, इसलिए हम इसको मोस्टली जो है आउटडोर ही ग्रो करते हैं। बहुत ही ज्यादा जो अट्रैक्टिव जो ये प्लांट है वो लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी सॉइल के बारे में बात करेंगे। इसको जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल जो इसको चाहिए होती है, तो ना तो मतलब वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको चाहिए होती है, और इसको ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा रेतली और बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी भी नहीं चाहिए होती है। बहुत ज्यादा बिकॉज इसकी जड़ें हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इसको जो वेल ड्रेन्ड सॉइल है इसके लिए वही ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर तो आप इसको चाहते हैं कि जो आपका जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे, तो इसको आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। इसके मेले दो टाइप के होते हैं, इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको हम जो है नर्सरी से एज ए प्लांट भी लेके लगा सकते हैं। तो अगर तो आपने इसको सीड ग्रो करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा ग्रो होने में, तो इसलिए ज़्यादा तो यही प्रेफर करते हैं कि इसको इसका जो प्लांट है वही छोटा सा नर्सरी से लेके लगाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करे तो इसको आप फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मेनली इसको ज़रूरत ऐसे नहीं होती है फर्टिलाइजर की। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी वाटरिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर तो गर्मियों का सीजन है तो आप इसको दिन में दो बार जो है वाटरिंग इसकी कर सकते हैं। अगर तो सर्दियां हैं तो अब तब आपको ज़रूरत नहीं होती है कि इसकी वाटरिंग जो आप करें। तो मेनली पहले आप जब भी इसकी वाटरिंग करने जाएं तो आप देख लें कि जो इसकी ऊपर वाली जो मिट्टी है वो अगर तो वो वाइट कलर की काफ़ी ज़्यादा सूख गई है तब आप इसकी वाटरिंग जो कर सकते हैं। बिकॉज इसको पानी तो देना होता है, अगर तो इसकी ओवर वाटरिंग हो रही है तो आपका ये जो प्लांट है वो सड़ सकता है, इसलिए पानी तो उसको देना है पर इसकी ओवर वाटरिंग जो नहीं करनी है। और आप ध्यान रखें कि जिस भी पॉट में, जिस भी गमले में आपने इसको लगाया हुआ है तो उसके नीचे छोटा सा होल ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर तो बहुत ज़्यादा कई बार पानी दिया जाए तो उसके निकास के लिए वो पानी नीचे से जो है बाहर चला जाएगा, उसके लिए छोटा सा होल जो है वो आप ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके पत्तों की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं जो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जब भी आप, अगर तो आपको लगता है कि इसके पत्ते कोई सूख रहा है तो अब कभी भी उसको आप अपने हाथ से मत उतारें, बिकॉज अगर तो आप उसके हाथ से उतारेंगे तो वो छिलता हुआ जो उसके तने को भी अपने साथ में चपेट में ले लेगा, तो फिर उसके ऊपर कोई उसकी नई ब्रांच, उसकी नई टहनी वो नहीं निकलेगी। इसलिए अगर तो कभी भी आपका कोई पत्ता सूख रहा है तो आप ये प्रेफर करें कि कोई किसी कैंची से या किसी भी तिक्खी चीज़ से उसको कटिंग करें, हाथ से उसको कभी ना उतारें। अगर आप इसे हाथ से उसे उतारेंगे तो आपका जो प्लांट है वो काफी हद तक जो खराब वो हो सकता है, इसलिए कभी भी हाथ से उसको नहीं उतारना चाहिए। कैंची ले सकते हैं आप, कोई भी तीखी चीज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो इसकी जड़ों के बारे में। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो जड़ होती है। अगर जब ये प्लांट छोटा होता है तब इसकी जड़ छोटी सी होती है, पर अगर जब जब ये प्लांट आपका जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इसकी जड़ें फैलने लगती हैं, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको छोटे गमले में लगा हुआ है तो इसकी जड़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं। वो जब जब बड़ा होता है तो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। फिर जो अगर गर्मियों में सनलाइट पड़ती है, जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो उसकी जड़ों के ऊपर पड़ने से वो जड़ें उसकी सूखने लगती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप इसको लगाएं तो थोड़ा बड़ी जगह पे लगाएं, ज़मीन में लगा सकते हैं, नहीं अगर तो पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप ये प्रेफर करें कि थोड़ा बड़ा पॉट लें और उसी में आप इसको लगाएं, तभी जो आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी जड़ें सूखेंगी नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं भी अब इसको एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करूंगी, बिकॉज ये जो गमला है इसके स्पेस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वो छोटा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर आएंगे अपनी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।